हेलो स्टूडेंट्स, एमएनसी एजुकेशन वेलकम्स यू ऑल। एमएनसी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज की क्लास में हम क्लास 11th का पहला चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है सेट्स। सेट्स को हिंदी में समुच्चय कहते हैं, तो हम जो है वो आज की क्लास में देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सेट्स क्या है आज की क्लास में जो हम देखेंगे वो है इसका इंट्रोडक्शन। सेट्स के इंट्रोडक्शन में हम ये जानेंगे कि हम किसको सेट्स कह सकते हैं और किसको सेट्स नहीं कह सकते हैं। मतलब ये है कि हमारे पास सेट्स का डेफिनेशन क्या है वो हमें देखने की जरूरत है। तो इंट्रोडक्शन में लेट अस बिगिन टुडे सेशन, आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। तो हमारा सेट्स का डेफिनेशन क्या होता है, हाउ वी डिफाइन सेट्स। सेट्स एक्चुअली वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं। तो सेट्स का ये मतलब हुआ कि हम जो है कोई भी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को जो कि वेल डिफाइंड हो, बहुत अच्छी तरह से उसको परिभाषित किया गया हो। वेल डिफाइंड मतलब होता है अच्छी तरह से परिभाषित किया गया। तो अगर कोई ऐसी चीज है हमारे पास, ऐसा ग्रुप है हमारे पास, तो हम उसको सेट्स कहेंगे। तो सेट एक्चुअली सेट्स तो प्लुरल हो गया, तो हम उसको सेट्स सेट कहेंगे। आइए अब जो है सेट्स को हम फॉर्मली डिफाइन करते हैं। सेट्स जो है वो है वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ देखिए सेट्स क्या है। सेट्स है वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो इस डेफिनेशन को हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर कुछ टर्म्स आई हैं जिन्हें हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत है। एक तो वेल डिफाइंड, फिर हमारे पास ग्रुप की बात आई है, फिर डिस्टिंक्ट और ऑब्जेक्ट्स की बात आई है। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप की। तो ग्रुप से हमारा क्या मतलब है? ग्रुप से हमारा मतलब है कलेक्शन। अगर हम किसी चीज का भी कलेक्शन ले सकते हैं तो हम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है? डिफरेंट होता है। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट होता है। और वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड हैज सम ब्रॉड मीनिंग, ब्रॉडर मीनिंग, थोड़ा सा इसका ब्रॉड मीनिंग है वो भी हम देखेंगे। और ऑब्जेक्ट्स, मैथमेटिकली वी कंसीडर ऑल थिंग्स एज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर चार चीजें हैं। ग्रुप हमने डिस्कस किया अभी कि ग्रुप जो है क्या है? कलेक्शन है। कलेक्शन किसी भी चीज का हो सकता है, अलग अलग चीजों का कलेक्शन हो सकता है। जैसे हमारे पास ज्वेलरी सेट्स होते हैं तो वो ज्वेलरी का कलेक्शन होता है। उसी तरह से हमारे पास डाइनिंग के लिए जो है यूटेंसिल्स के सेट्स होते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यूटेंसिल्स जो डाइनिंग में यूज होते हैं वो अलग हो गए। तो इस तरह से आप ग्रुप अलग अलग बना सकते हैं। अब अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल में फुटबॉल टीम बनती है, वो एक ग्रुप हो गया। क्रिकेट टीम अलग ग्रुप हो गया, हॉकी टीम अलग ग्रुप हो गया। स्टूडियस स्टूडेंट्स का भी ग्रुप अलग होता है। तो इस तरह से ग्रुप अलग अलग हो गए, मतलब कलेक्शन हो गए। तो वो जो कलेक्शन होते हैं वो अगर वेल डिफाइंड है तभी हम उसको सेट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास वेल डिफाइंड होने का क्या मतलब है? वेल डिफाइंड का मतलब है कि जिसका डेफिनेशन जो है चेंज ना हो, पर्सन टू पर्सन उसका डेफिनेशन वेरी ना करे। मतलब यह है कि जब हम किसी चीज को डिफाइन कर रहे हो तो जो डेफिनेशन हमारे पास हो, जिस तरह से हम डिफाइन करें, तो वो डेफिनेशन जो है बाकियों के लिए भी वैलिड हो, बाकी भी उसी तरह से उस ग्रुप को डिफाइन कर रहे हों, तब जाके हम उसको वेल डिफाइंड कहेंगे। और
ग्रुप हो गया हमारे पास, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग। तो जब हमारे पास अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, किसी भी चीज को हम मैथमेटिकली ऑब्जेक्ट की तरह ही समझते हैं, ऑब्जेक्ट के ग्रुप, ऑब्जेक्ट में ही रखते हैं, एक्चुअली देखिए यहाँ पर भी ग्रुप आ गया, तो ऑब्जेक्ट की तरह कैटेगराइज करते हैं। एक्चुअली मैथमेटिकली जो है हमारे पास सारी चीजें ऑब्जेक्ट्स में ही कंसिडर होती हैं। तो इस तरह से वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो गया। तो जैसे अगर मान रखिए कि हम ऐसे करें ग्रुप, ग्रुपिंग करना चाहें कि ऑल गुड स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, तो गुड स्टूडेंट्स का डेफिनेशन चेंज हो जाता है। किसी के लिए उसका दोस्त गुड होता है, तो अलग अलग ग्रुप बन जाएंगे अलग अलग लोगों के लिए। आप भी देखिए, आपके लिए जो बनेगा वो आपके दोस्त के लिए, हो सकता है कि उसके ग्रुप में कोई और भी गुड स्टूडेंट्स के कैटेगरी में आए, ठीक है। तो इस तरह से जहां पर गुड, बैड या किसी भी तरह का एडजेक्टिव लगा हुआ है, ब्यूटीफुल, डेंजरस, तो वो सारे हम ग्रुप में नहीं रखते हैं, जैसे हमारे सेट्स में वो नहीं आएंगे क्योंकि वो वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। जैसे अगर हम डेंजरस की बात करें, ऑल डेंजरस एनिमल्स की बात करें ऑफ द वर्ल्ड, तो डेंजरस एनिमल्स में कई बारी तो लोगों के लिए कुत्ते भी डेंजरस होते हैं, और कई लोगों के लिए तो टाइगर भी डेंजरस नहीं होते। तो इस तरह से हमारे पास डेंजरस अगर आ गया तो वो वेल डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि डेंजरस एनिमल्स के लिए कुछ लोग स्नैक्स को डेंजरस मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, तो वो पर्सन टू पर्सन वैरी कर गया। तो हम अगर सेट ऑफ ऑल डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड रखेंगे तो वो जो है वेल डिफाइंड नहीं होगा, एज अ रिजल्ट वो सेट नहीं होगा। पर अगर हम ये बात करें कि आपके क्लास में 70% से ज्यादा नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, उनके लिस्ट, तो वो जो ग्रुप बनेगा वो आपके लिए, आपके दोस्त के लिए, आपके टीचर के लिए, या कोई भी जो भी उस परिप्रेक्ष्य में, उस कॉन्टेक्स्ट में वो लिस्ट बना रहा होगा, तो उसमें वही सारे स्टूडेंट्स आएंगे जो पहले से बने हुए होंगे, जिनके की 70% से ज्यादा मार्क्स होंगे, तो वो वेल डिफाइंड है, इसलिए वो एक सेट फॉर्म करेगा। आई होप सेट का डेफिनेशन आपको अच्छी तरह से आ गया होगा। लेट अस नाउ टेक अनदर टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज रिप्रेजेंटेशन, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। सेट्स, वी ऑल नो व्हाट इज सेट्स। तो अब हम जो है दूसरे टॉपिक पे जा रहे हैं कि हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास बेसिकली देर आर टू वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट्स। एक तरीका है कि हम उसका डेफिनेशन लिख दें, उसमें जो सेट्स, जो ग्रुप हम रखे हैं, उस ग्रुप में सारे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने वाला एक डेफिनेशन रख दें कि भाई ये, इसमें यही सारी चीजें आएंगी, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, उसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। और एक दूसरा हो कि हम सारे ऑब्जेक्ट्स को ही लिस्ट कर दें, जैसे अगर हम लास्ट एग्जांपल में हमने क्या कंसीडर किया कि जो 70% से ज्यादा मार्क्स लेके आए हैं आपके क्लास के बच्चे, तो उनके वो जो ग्रुप बना रहे हैं वो 70% से ज्यादा मार्क्स लाने वाले, तो वो एक ग्रुप बना रहे हैं, वो एक वेल डिफाइंड ग्रुप बना रहे हैं, इसलिए वो एक सेट होगा। तो वहां पर हमने क्या किया कि डेफिनेशन लिख दिया। अब अगर हम रोस्टर फॉर्म की बात करें तो रोस्टर फॉर्म में हमें उन सारे बच्चों के नाम लिखने होंगे आपके क्लास के, जिनके की 70% से ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो आपको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में एक डेफिनेशन लिखना होता है, और रोस्टर फॉर्म में हमें उसके लिए जो ऑब्जेक्ट उस डेफिनेशन से इंडिकेट हो रहा है वो हमें लिखना होता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में दो चीजें आ गई, दो तरीके हो गए।
रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास दो वेज हो गए। पहला हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, और दूसरा हो गया रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में अभी हमने डिस्कस किया कि सारी चीजें लिखनी पड़ती हैं, तो इसको हम लिस्ट मेथड भी कहते हैं, और इसमें जो है हमें डेफिनेशन लिखना होता है तो हम इसको डेफिनेशन फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो दोनों ही हमारे पास रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, या तो हम डेफिनेशन लिख दें या फिर उस लिस्ट में आने वाली सारी चीजों को लिख दें। तो हमारे पास जो है सेट बिल्डर फॉर्म में, जैसे अभी हमने देखा था कि 70% से ज्यादा लाने वाले बच्चों के नाम, और इसमें जो है हमें लिस्ट करना पड़ता है, इसमें हमें लिखना होता है। ठीक है, तो अब जो है हम बेसिक स्ट्रक्चर की हम उसको रिप्रेजेंट जब करेंगे तो लिखेंगे कैसे वो हम सीख लेते हैं। तो सेट्स को जब भी आप लिखते हैं तो उसके लिए उसके नाम को हम कैपिटल लेटर, जैसे ए बी सी, इन सब चीजों से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने जैसे यहां ए कर दिया, इक्वल टू विल बी देयर, ये कर्ली ब्रैकेट शुरू हो रहा है, इसको हम फ्लावर ब्रैकेट भी बोलते हैं, पर मोस्टली हम इसको कर्ली ब्रैकेट ही बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहां पर एक्स, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी, यहां पर यूजुअली हम स्मॉल लेटर्स यूज करते हैं। और उसके बाद हम जो है यहां पर कॉलन यूज कर रहे हैं, तो उसको हम पढ़ते कैसे हैं, इस कॉलन को हम सच दैट पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, और कॉलन की जगह कई जगहों पे आप देखेंगे कि एक स्लैश, एक वर्टिकल लाइन छोटी सी, इतनी बड़ी हम यूज करते हैं, उसको भी हम सच दैट ही पढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर एक्स सच दैट, अब जो है एक्स को हम डिफाइन करेंगे कि एक्स इज अ स्टूडेंट, स्टूडेंट हु हैज ऑब्टेंड, ऑब्टेंड मोर देन 70%, और फिर ये क्लोज। तो ये एक डेफिनेशन है हमारे पास, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कहेंगे कि यहां पर एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट हु हैज ऑब्टेंड मोर देन 70%, और इसमें ये भी कंडीशन कि स्टूडेंट ऑफ माय क्लास, आप अब जिस क्लास में पढ़ रहे होंगे उस क्लास का आप जो है ले लेंगे। तो यहां पर ये कैपिटल लेटर से कर्ली ब्रैकेट के अंदर में सारी चीजें होंगी जो डेफिनेशन होगा। कॉलन हम यूज करते हैं सच दैट के लिए, एक वर्टिकल लाइन भी यूज करते हैं हम सेम चीज के लिए, मतलब या तो हम यहां पर जैसे कॉलन यूज किया हुआ है तो उसकी जगह पे हम एक वर्टिकल लाइन छोटी सी यूज कर लेंगे। ठीक है, इसको भी हम पढ़ेंगे सच दैट। अब जो है, अब मान रखिए कि आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे 70% से ज्यादा वाले, तो हम ऐसा करते हैं कि इस मार्क्स को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, मान रखिए कि हम 98% कर देते हैं मार्क्स को, और हमारा अब सेट जो है रिडिफाइंड हो गया एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ माई क्लास हु हैज ऑब्टेंड मोर देन 98%। ये एग्रीगेट की बात कर रहे हैं, तो अब ऑब्वियस है कि दो तीन या कुछ गिने चुने स्टूडेंट्स ही इतने मार्क्स लेके आए होंगे। मान रखिए कि आपके क्लास में तीन स्टूडेंट्स लेके आए हैं 98% से ज्यादा, तो उनके नाम जो है के एल और एम हैं, मान रखिए। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, मतलब इस सेट से ये सेट इंडिकेट हो रहा है। तो हमारे पास यहां पर नाम तो चेंज नहीं होगा, वो तो ए ही रहेगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही आपको चीजें लिखनी है,
लेकिन अब यहां पर क्या करना है, आपको नाम लिखना है। तो ये जो है हमारा क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया, लिस्ट मेथड हो गया, ठीक है। इस तरह से हमने सेट्स को दो तरीके से रिप्रेजेंट करना सीख लिया। अब आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि आपको रोस्टर फॉर्म में दे देंगे, कहेंगे कि आप सेट बिल्डर फॉर्म निकालो, सेट बिल्डर फॉर्म दे देंगे और कहेंगे कि इसका रोस्टर फॉर्म लिखो। तो इस तरह से आज की क्लास में जो है हमने सेट्स को डिफाइन किया और फिर हमने उसको रिप्रेजेंट करने का जो दो तरीके हैं वो हमने सीखे। देयर आर टू मेथड्स टू रिप्रेजेंट अ सेट। तो हमारे पास यहां पर एक है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको की डेफिनेशन, जिसमें कि हमें डेफिनेशन लिखना होता है, और दूसरा है रोस्टर फॉर्म, जिसमें हमें लिस्ट करना होता है उन सभी एलिमेंट्स को, उन सभी ऑब्जेक्ट्स को जो कि उससे रिलेटेड होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान रखिए हम एक सेट लेते हैं जिसको कि हम डिफाइन करते हैं एफ से। तो यहां पर अगर हम ऐसे करें एक्स सच दैट एक्स इज अ फैक्टर ऑफ ट्वेल्व, तो हमें यहां पर ट्वेल्व के फैक्टर्स का सेट बनाना है। तो ये कौन सा फॉर्म है, ये है सेट बिल्डर फॉर्म। अब जो है इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखने को कहा गया है, तो हम जब इसको लिखेंगे तो x इज अ फैक्टर ऑफ 12, तो यहां पर 1 फैक्टर है 12 का, 2 फैक्टर है, 3 फैक्टर है, 4 फैक्टर है, 5 फैक्टर नहीं है, तो हम 5 नहीं लिखेंगे। फिर 6 इज अ फैक्टर ऑफ 12 और फिर 12 इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। तो हमने यहां पर x सच दैट x इज अ फैक्टर ऑफ 12 को रोस्टर फॉर्म में लिखा। अब अगर आपको रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ होगा तो आपको उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमें जो है एक क्वेश्चन यहां पर से तैयार मिलता है कि आपको एक सेट दे देंगे, कहेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए उसको या रोस्टर फॉर्म में लिखिए उसको, आपको वो दूसरे फॉर्म में दिया हुआ होगा, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले सेशन में हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी से या वेरियस सोर्सेस से लेकर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।